तो ओके गाइस, तो अभी हम वर्चुअल वर्क से लैब सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वी एम वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना था, यहाँ लिखना वी एम वर्क स्टेशन। ओके यानी ओके, तो ये फर्स्ट ही इनकी इन्फो आ चुकी है वेबसाइट, इसके ऊपर जाकर ओके स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखना वर्क स्टेशन 17 प्रो ऑफ विंडोज। ओके तो यहाँ नाउ डाउनलोड डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। ओके यहाँ डाउनलोड नाउ पर क्लिक करने के बाद ओके ओके नाउ ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ओके सो ये ऐसे आपको डाउनलोड करना है। ओके ये अभी डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद हमें करना है यहाँ लिखना है काली लिनक्स। ये आ चुका है काली लिनक्स, ठीक है। इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर चले जाना हमें। ओके यहाँ देखना है अभी इंस्टॉलेशन कहाँ है उसका, ये नहीं है। ओके ये काइंडली मींस डाउनलोड लिख देते हैं। ओके ये आ चुका है, यहाँ जाना है गेट काली पर, इसके ओरिजिनल वेबसाइट पर। ओके अभी आपको इंस्टॉल करनी है इमेज फाइल या वर्चुअल मशीन, तो मैं करूँगा वर्चुअल मशीन। ओके स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है ओके और स्क्रॉल करना है। ये है वर्चुअल बॉक्स की इमेज, नहीं सॉरी ये OS इमेज है। ओके और जाना है, ये है वर्चुअल मशीन की। ओके तो मुझे चाहिए वी एम वर्क स्टेशन के लिए। हाँ अगर वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स के लिए कर सकते हो, फिलहाल मैं करूँगा वी एम वर्क स्टेशन के लिए। ओके यहाँ डाउनलोड ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये इमेज फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके ओके ये इंस्टॉल होने लग चुका है। नेक्स्ट इसको कट कर देते हैं अभी। ओके सबको अभी हमें करना है विंडोज 10। ओके आपको विंडोज 10 की इमेज फाइल डाउनलोड करके रख लेनी है। ओके तो आप कहीं से भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से करना माइक्रोसॉफ्ट से कर लो, या कोई और वेबसाइट है तो और वेबसाइट से कर लो, ठीक है। कोई और देखते हैं, हाँ यहाँ है, यहाँ सर्च है तो लगेंगे विंडो 10। ओके यहाँ से हमें विंडोज 10 की इमेज फाइल मिल जाए। तरह की आपको मिल जाएगी विंडोज 10 मॉडिफाई वर्जन, तो मैं फर्स्ट वाला चूज़ किया। ओके ये ले, मैं एक इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके इमेज फाइल हमें इंस्टॉल करनी है, तो हम ये वाली करते हैं। नेक्स्ट हमें करना है मेटा सप्लीमेंट। मेटा सप्लीमेंट 2 ओके देन हिट एंटर। अभी इस फाइल को इंस्टॉल करना है,
ये फर्स्ट वाला यूआरएल लग गया है, आ चुका है। ये बेसिकली मेटास्प्लोइटर वर्नेबल मशीन है जिसमें हम टेस्टिंग करेंगे। ओके ओके गाइस, तो हमें मेटास्प्लोइट वाली फाइल मिल चुकी है, ठीक है। valhub.com पर जाकर यहाँ हमें ये फाइल मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना जैसे ही, ओके, तो हमें इसकी इमेज फाइल मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है।